वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम फोबियाज की बात कर रहे थे कि किस तरह के फोबियाज होते हैं, इनको ओवरकम कैसे करना है। लेकिन फोबिया से खास साथ थोड़ा हम अपना जो टॉपिक है इसको लाइटर साइड पर भी लेके जाते हैं और विंटर की बात करते हैं। तो विंटर के कपड़े टोटली डिफरेंट होते हैं। आज आपने देखा कि मैंने बहुत ब्राइट कलर पहना हुआ है और ये ब्राइट कलर वेलवेट में है तो ये और भी अच्छा लग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, आपको भी डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। जनाब, मैंने जिनका जोड़ा पहने वो डिज़ाइनर खुद हमारे साथ मौजूद है अपनी कलेक्शन के साथ। एनी फैसले में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो एनी, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच एनी, सुबह सुबह इतना अच्छा जोड़ा भिजवाने के लिए। और अब आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एनी से भी डिस्कशन करेंगे जनाब, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास है वकार वहीद मौजूद हैं जो हुआ एम अकेडमी के। और अच्छा जनाब, इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी तक जॉब के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग देते हैं। तकरीबन ये बता रहे थे कि 100 के करीब लोग जो हैं ये आर्मी वगैरह में इनको जॉब काउंसलिंग देकर उनमें बहुत हेल्पफुल इनके लिए इनका जो फील रही है उन बच्चों के लिए जिनको इन्होंने आगे किया है उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा सबसे पहले तो एनी, मैं आपके पास आऊँगी, हम विंटर के ट्रेंड्स की बात करते हैं, कलर्स की बात करते हैं, तो वो समर से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आपकी जो नई कलेक्शन है उसमें किस तरह के एडिशन हुए हैं? अब विंटर वेयर में थोड़ा फ्यूजन वेयर की तरफ हम लोग आए हैं और मटेरियल्स आपको पता है ऑल टुगेदर चेंज। इस दफा द नया मटेरियल विद व्हिच आई एक्सपेरिमेंटेड इज स्वेट। ये आप पीछे देख रहे होंगे, स्वेट की जैकेट्स आई हैव कम अप विद दिस टाइम। और जब विंटर एंड यू वांट टू गो आउट और आपने यू वांट टू बी कंफर्टेबल एट द सेम टाइम यू वांट टू फील वार्म, तो फिर आपको होता है कि एक अच्छा मटेरियल हो एंड थोड़ा इसका ड्रेप भी अच्छा होता है एंड इसके ऊपर आई हैव कम अप विद एंटीक्स। सो ये मेरे ड्रेस आपके ऊपर भी एंटीक्स है, कमिंग बैक टू द एंटीक्स। अच्छे इट मेक्स अ स्टेटमेंट और बड़ी खूबसूरत सी ये लुक देता है, नॉट दैट शाइनी शाइनी ब्लिंकी वाला थोड़ा कम हो गया। एंड तो ये ड्रेप्स में बहुत सारे कलर्स आई हैव कम अप विद और ये बड़ा अच्छा रहता है। इसको आप अपना ईस्टर्न वेयर के ऊपर भी कैरी कर सकते हो विद नॉर्मल पैंट्स एंड शर्ट्स और वेस्टर्न वेयर के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हो। इट्स अ वेरी फ्यूजन और बड़ा हॉट सेलर ये आजकल है। लवली लवली वेलवेट सर्वेयन के हवाले से भी बताएं। वेलवेट सो इज रिलेटेड टू विंटर, नाउ विंटर इज देयर एंड वेलवेट इज यू नो वेलवेट तो आ जाती है। तो वेलवेट में अगेन एक जिस तरह आपने पहना हुआ ये थोड़ा ट्रेंडी वेयर में और ईस्टर्न वेयर में आ जाएगा। और फिर दोबारा वेलवेट के ऊपर काम जो चल रहे हैं वो आपके शादियों की, बिकॉज वेलवेट बड़ी रिच लुक दे देता है एकदम से। और प्रशिसा होते तो आप उसके ऊपर जब काम कोई भी होता है तो बहुत उठ जाता है। उसके कलर्स जो हैं वो उसके स्ट्रोक्स बिल्कुल वो ग्रीन में मैं देखा, वो एक्चुअली एक फॉर्मल वेयर है, आप किसी भी फंक्शन पे इसको कैरी कर सकते हैं। बट इट्स अ वेरी बजट फॉर्मल वेयर एक्चुअली, इसके ऊपर वही जो मशीन एंड हाथ का काम मिक्स करके किया हुआ है, बट जस्ट बिकॉज जो उसका बेस फैब्रिक है वो इतना रिच है कि वो ओवरऑल एक बहुत अच्छी लुक आपको दे रहा है। और वेलवेट विंटर शादियों के सीजन है, सो मैं भी यही बताई थी रक्षाफा को कि मैं उसे शादी पे परसों गई और वहां पर ब्राइड ने बका देता हूँ वेलवेट पहना हुआ था, आई वाज वंडरिंग कि अच्छा वेलवेट पहना हुआ है और ये बड़ा एक एक्सेप्टेबल नहीं होता समटाइम्स कि आप वेलवेट पहन के बैठ जाए। जबरदस्त। अच्छा जी वकास भी हमारे साथ मौजूद है। वकास, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये बेसिकली है क्या? थैंक यू सो मच आपने इन्वाइट किया। एक्चुअली प्रोजेक्ट सिंपल है कि 99% बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं, देन सीवीज ड्रॉप करते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो मैंने इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब वकार को जॉब की जरूरत थी तो किसी बंदे ने गाइड नहीं किया। मैं लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ कि जॉब्स को किस तरह हासिल कर सकते हैं। वो अल्लाह तआला का खास करम होता है कि वो लोग जॉब्स उन्हें मिल जाती हैं। जिस तरह मैंने बताया कि 100 से ज्यादा गर्ल्स एंड बॉयज पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी में ऑफिसर रिकमेंड हो चुके हैं मेरे थ्रू। पंजाब पुलिस के अंदर अभी अबव देन 35 से स्टूडेंट ज्यादा गए हैं, एनटीएस में, पीपीएससी में। इस तरह एजुकेशन के बाद एक और ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि प्रोफेशनलिज्म की होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें लगता है वो जो भी टेस्ट देंगे ग्रेजुएशन होगी वो पास कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली उस टेस्ट की वो प्रिपरेशन नहीं करते, इसीलिए वहाँ पर फेल हो जाते हैं, उनकी एज अबव हो जाती है, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस तरह के किस क्या पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जिन पे आप उनको गाइड करते हैं? मैं सबसे पहले उन्हें ये ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरीके से वो टेस्ट को पास कर सकते हैं, किस तरह वो मैनेज। फॉर एग्जाम्पल एनटीएस का टेस्ट होता है, एनटीएस में बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बबल्स को उसी टाइम फिल करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके 40% क्वेश्चन सही होते हैं और बाकी टाइम मैनेज ना होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। उन्हें बबल्स को फिल नहीं करना, सिर्फ डॉट्स लगाना है और एंड पे बुकलेट को बंद करके देन बबल्स को फिल करना है। जब बच्चा एक वक्त में दो काम करता है तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन को दो बार पढ़ना पड़ता है। जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। सही, ठीक हो गया। अच्छा जानसेब, आपकी जानेब में आऊंगी। अभी हम फोबियाज की बात कर रहे थे, जैसे डॉक्टर राठौर आप मिलकर ही हमें बता रहे थे कि समटाइम्स ऐसे फोबियाज होते हैं जो आपको ओवरकम करने के लिए उनके स्टार्ट या पुश करने के लिए आपको उस पर कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन जो वो स्टार्ट है या इनिशिएट करना है समटाइम्स वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके लिए कोई ट्रैक या कोई टिप?
دیکھیں دنیا میں جو کہا جاتا ہے جو اس وقت نمبر ٹو اینڈ دا سیکنڈ لارجسٹ فیئر جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے پبلک اسپیکنگ, جس کو گلوسوفوبیا بھی کہتے ہیں. گلوسوفوبیا میں مسئلہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ون آن ون تو بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وین اٹ کمس ٹو پبلک اسپیکنگ تو اس وقت لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے, ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال اسی طرح سے ہے, میں لوگوں سے پہلے جب کبھی اس کے اوپر ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو ون آن ون بات کرنا آسان ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا, تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ون آن ون بات کرنا آسان ہے, لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ ون آن ون بات کرنا زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی تمام تر اٹینشن کنسنٹریشن میری طرف ہوگی اور میری آپ کی طرف ہوگی. اگر میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں یا پوائنٹ میرا ٹھیک نہیں ہے یا فیکٹ میرا کلیئر نہیں ہے, آپ اسی وقت مجھے مطلب چیک کر سکتے ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے جو بھی اس طرح سے. لیکن جب آپ میسج سے بات کرتے ہیں نا, تب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اب اپنے آپ کو اس میس کا حصہ رکھیں, اور اگر آپ کسی اسپیکر سے سوال کر رہے ہیں تو آپ سوال کرتے ہوئے 10 دفعہ اپنا سوال ایڈٹ کریں گے, کچھ چیک کریں گے, اور اس اثنا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم نکل جاتا ہے اور ہم سوال نہیں کرتے. سو بی کانفیڈنٹ ون, ایک چیز اس پہ یہ ہے. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ اس کو کس طرح سے اسٹارٹ کیا جائے, اس کو پش کس طرح سے دیا جائے, فالو تھرو کس طرح سے کیا جائے, کر کے ہوگا جب تک آپ اس کے اندر, اگین وہی بات ہے, پانی کی گہرائی اس وقت تک نہیں آپ ناپ سکتے جب تک آپ اس کے اندر جائیں گے نہیں. آپ کو ڈر لگ رہا ہے, فیئر انف, ڈر جب تک لگ رہا ہے تب تک یہ نیچرل ہے. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ڈر آپ کو لگے تو یہ اچھی بات ہے, یہ آپ کو اوور کانفیڈنٹ ہونے سے روکتا ہے, آپ کو گراؤنڈیڈ رکھتا ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی, جیسے اسکیزوفرینیا ہے, یہ بیماری کب بنتا ہے, یہ بیماری اس وقت, یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے شواہد موجود ہیں, لیکن یہ اس وقت بنتی ہے بیماری جس وقت ہم ایک حد سے زیادہ اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ اوور تھنکنگ از ون آف دا تھنگس. سو ان فیئرس کو اوور کم کرنے کے لیے, کمنگ بیک ٹو گلوسوفوبیا, آپ اپنے آپ کو انڈلج کریں ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر جہاں آپ کا اس فیئر سے سامنا ہو, اس کو ہیڈ آن لیں اور پھر اپنے اس فیئر کو اوور کم کریں. جب تک آپ اس کو ہیڈ آن نہیں لیں گے آپ ڈرتے رہیں گے, کیونکہ ہوتا یہ ہے, ایز اے ٹرینر لوگوں کو یہ سکھانے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ یار میکسیمم کیا ہوگا. سب میں بڑا فیئر ہے فیئر آف دی ان نون, اور موت کے بعد کیا ہوگا, ڈیتھ کا فیئر سب میں بڑا فیئر ہوتا ہے ایونچولی. جن کو ڈیتھ کا فیئر نہیں ہوتا وہ لمٹ لیس لوگ ہوتے ہیں, اور ان سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ اس حد تک اپنے آپ کو ایکسپلور کر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں ڈر نہیں لگتا. بٹ پرائمریلی ڈیتھ از دی الٹیمیٹ فیئر, کیونکہ آپ کو پتا نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ آپ میکسیمم کے اوپر جب کسی کو بھی بتا دیتے ہیں نا کہ یار میکسیمم کیا ہوگا, اگر آپ کی لائف کمپرومائز نہیں نہ ہو رہی تو آپ اس کام کو کرنے کا رسک لے سکتے ہیں. میکسیمم تو آپ کی ڈیتھ ہے نا بھائی, ایز اے پبلک اسپیکر میکسیمم کیا ہوگا, آپ پھوٹ ہو جائیں گے, مر نہیں رہے آپ. تو آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے اندر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ اس لیول پہ آ جائیں گے جہاں آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسپائر کیا. لولی لولی. اچھا اینی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کو کبھی کوئی فوبیا ہوا ہے, کسی چیز سے فوبیا ہے, پانی, ہائٹ یا کسی اور چیز سے؟ نہیں, آئی ایم اے ویری گڈ سوئمر, اور ہائٹ سے تو میں نے اسکائی ڈائیو بھی کیا. او مائی گڈنس, آئی ایم این ایڈونچرس ٹائپ. یو آر این ایڈونچرس ون. اوکے, لو کسی اینیمل سے؟ کسی اینیمل سے؟ ہاں, مجھے ویسے مطلب آئی ایم ناٹ سو فونڈ آف اینیملز. یس, لیزرڈ وغیرہ. اس سے تو آپ کو وہ تھوڑی عجیب الجھن سی ہوتی ہے نا, ناٹ لائک اے فوبیا. فوبیا ہے اس کی اگر آپ لیزرڈ دیکھیں اور آپ کمرے میں انٹر نہ کریں ٹائپ کی سچویشن. اچھا, یہ والی سچویشن ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ, اور بچے سیکھ لیتے ہیں. آئی ہیو سین کہ بچوں کی جو روٹیڈ کاز ہوتی ہے فوبیا کی, کسی بھی اینیمل فوبیا کی, وہ ان کے پیرنٹس سے آتی ہے. جیسے کمرے میں لیزرڈ دیکھی, ماں نے چیخنا شروع کر دیا, باپ نے چیخنا شروع کر دیا, بچے خود ہی ڈر جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو وہ آگرہ. ہمارے گھر والا, اچھا ہم بچے سیکھ رہے تھے, ہمارے امی ابو عجیب سے وہ کہہ رہے کیا شور مچایا ہوا ہے کچھ. لرننگ تھرو ماڈلنگ ہے نا, آپ کسی کو دیکھ کے پھر لرن کرنا شروع کر دیتے ہو, فوبیا بھی آپ لرن کر لیتے ہو. اسٹوڈنٹس میں یہ چیز بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بچے مارکس نہیں گین کرتے. ایگزام فوبیا, ایک لڑکی تھی 7th class کی, تو اس نے پیپر میں جو کیا اس نے بڑے اچھے مارکس لیے, تو ہیڈ سیکشن جو تھی وہ کہتی ہیں کہ باقی سبجیکٹ میں سب فیل ہے اور وکاسا صرف آپ کے پیپر میں یہ پاس ہے. تو میں نے ان سے صرف 3 questions کیے. میں نے کہا کیا آپ نے اس بچے سے کبھی پوچھا کہ اس کے پیرنٹس کی آپس میں گھر میں لڑائی تو نہیں ہوتی؟
कहती हैं इट्स नॉट माय मैटर. मैंने कहा आपने उससे ये पूछा कि उसके पास जगह जब आप कहती हैं सबक सुनाओ तो उसकी हार्ट बीटिंग 90 पे चली जाती है. कहती हैं इट्स नॉट माय मैटर. बच्चे क्या होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो उसकी वजह होती है उनके घर का माहौल. ये बहुत से टीचर्स इस पे ऑब्जर्व नहीं करते. और नेगेटिव क्रिटिसिज्म, देखिए फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन जो तब डेवलप होता है, जैसे अगर बच्चे को फेयर है कि मैंने क्वेश्चन नहीं पूछना या फोबिया डेवलप हो गया, तो वो इसलिए होता है कि उनको कहीं ना कहीं किसी टीचर ने किसी पेरेंट ने उनकी जो की हो तुम्हारा भाई तो बड़ा अच्छा है आप नहीं अच्छा बोलते. कंपैरिजन बहुत बुरा चीज है, वो आपकी सेल्फ एस्टीम लो कर देता है. और सोशल जो फोबिया है उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मीडिएटिंग फैक्टर होता है वो आपका सेल्फ एस्टीम है. जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम लो होता है उनमें ज्यादा चांसेस है सोशल फोबिया के, और वो लोग ज्यादातर एंग्शियस पर्सनालिटीज होते हैं, वो टाइप ए पर्सनालिटी टाइप लोग होते हैं. और मेरे ख्याल में जो ज्यादातर आप लोगों को आगे जॉब ऑक्यूपेशंस और चीजें जो है आप अपनी नहीं अचीव कर सकते वो सोशल फोबिया की, और बहुत कॉमन है. हम इसको रियलाइज नहीं करते, इट्स रियली वेरी कॉमन. मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं 1-to-1 वो बिल्कुल आपकी वाली बात ठीक है जहां से वो इजिली बात कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको भूलना शुरू हो जाता है. बिल्कुल ऐसा है, प्रेजेंटेशंस के टाइम पे तो ज्यादा बच्चे इसी वजह से. आई वाज वन ऑफ देम जिसको प्रेजेंटेशन के टाइम पे कई दफा मुझे भी हो जाता था. कई दफा जो होते हैं ना हाई अचीवर्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत जल्दी ये वो एग्जाम एंजाइटी डेवलप हो जाती है, जिनके अंदर ये होता है कि हमने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं. क्योंकि अक्सर क्रिटिसिज्म होता है पेरेंट्स का, 2 नंबर क्यों कम है आपके, तो वो जो 2 नंबर की कमी है ना वो बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल कमी डालती है. तो वो बच्चे जो हैं वो हर वक्त होपिंग फॉर द बेस्ट और उसके अंदर वो इतना ब्लैंक हो जाते हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको इतना सवियर एग्जाम फोबिया कि वो अपने एग्जाम छोड़ के आ जाते हैं बीच में. और उसमें एक और चीज जो होती है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. एक कंप्लीट पर्सनालिटी या एक फैसेट्स ऑफ अ गुड पर्सनालिटी के अंदर नर्ड होना जमानत नहीं है या किताबी कीड़ा होना जमानत नहीं है एक बहुत सक्सेसफुल इंसान की. पॉजिटिव अच्छी पर्सनालिटी उस वक्त आएगी जब आपने लाइफ के मुख्तलिफ फ्लेवर्स को चखा है. अगर आपको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स में हार क्या है, स्पोर्ट्स की मार क्या है, उसके बाद आपने लाइफ की मार अगर नहीं खाई हुई तो आप कैसे किसी चीज को किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. अवॉइड अगर आप करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल. उसमें हो ये रहा होता है जो मैम आप बात कर रही थी, उसमें हो ये रहा होता है कि आपकी क्योंकि तमाम तर तवज्जो एक चीज के ऊपर मरकूज होती है और आपकी कोशिश ये होती है कि यार मैं इसके अंदर मैक्सिमम कर लूं, उसकी वजह से आप दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता. सोशलाइज करना, सोशली डाइन आउट करना, लोगों से मिलना, बात करना आपको इतना कुछ सिखाता है. देखें आपने अपनी जिंदगी में 8-10 किताबें पढ़ी होंगी, 2-4 मैंने पढ़ी होंगी, 2-4 इन्होंने पढ़ी होंगी, अब ये हो गई 20 किताबें. अब 20 किताबें मैं अकेला पढ़ने बैठूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा. उसी का नॉलेज मैंने डिस्कशन में आपसे ले लिया, आपसे ले लिया, आपसे ले लिया. हो ये रहा है कि एक तो वो उस डिस्कशन का प्लस मुझे उस शख्स की जो अपनी पर्सनैलिटी है उसने मुझे काफी कुछ सिखाया. तो इंटरेक्शन के साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं और उससे आपको समझ आती है चीजों. सही हो गया. अच्छा यानी मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी क्योंकि अभी हम साथ साथ कपड़ों को भी डिस्कस कर लें. खावतीन बैठी हैं, कपड़े डिस्कस ना करें. सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कपड़े पहनने का सलीका भी आपको मिलके ही आएगा लोगों से. नहीं नहीं जनरली उसी बात की वेरी राइट. आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. मुझे इस बात में कुछ डाउट हुआ है, खैर इसको मैं बाद में निकल लूंगी. जनरली बात कर रहा हूं, एनी से बात कर रहा हूं. एनी क्योंकि आप अभी हम ब्राइडल कलेक्शंस और चूंकि अब वेडिंग सीजन भी ऑन है तो इसके लिए क्या कलर्स चल रहे हैं, किस तरह के कट्स, क्योंकि आपकी कलेक्शन में कट्स बहुत ज्यादा होते हैं. मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि कट्स हर एक डिजाइनर की पहचान होती है, तो अपने उस हवाले से भी थोड़ा बताएं. आजकल तो ब्राइडल्स के अंदर भी बहुत कट्स आ गए. अब एक कुछ लोग होते हैं देखो जो उसी पे स्टिक करना चाहते हैं वेरी ट्रेडिशनल, वही मरून्स एंड रेड्स एंड दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट. दे वांट टू बी वेरी ट्रेडिशनल बट एट द सेम टाइम बहुत सारे अब जो लोग हैं दे वांट टू एक्सपेरिमेंट और बड़े अच्छे अच्छे पेपलम किस्म के टॉप्स विद गरारा एंड हैविंग अ वेलवेट शॉल एट वन साइड बिकॉज इट्स विंटर सीजन. तो उसमें कट्स और टोन्स भी लोग बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि डीपर टोन्स जो हैं प्लम्स के जा रहे हैं, ओशन ब्लूज के जा रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ फिर नीचे जो बॉर्डर्स हैं बिल्कुल हाईलाइटेड कलर के एकदम से आ गए. तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल चल रहा है एंड अच्छा भी लग रहा है. अच्छा इट्स लाइक गर्ल्स आर कैरिंग इट रियली नाइस. और अब मेरे ख्याल से अवेयरनेस की भी बात आ गई है, लोग जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट चीजें. अगर आप करना चाह रहे हैं अपने साथ भी तो
डाइजेशन में भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ट्रेडिशनल है दे डोंट वांट टू गिव अप दैट लुक, रेड कलर दे वांट टू एंड दे लुक गुड आल्सो, जो अच्छे से कैरी कर, रेड हमेशा एक ट्रेडिशन का सिंबल बन चुका है, और बट वलीमे पे लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, बट नाउ डेज आई एम अमेरिका, मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें मैं यही देखती हूँ कि लोग शादी के लिए भी कहते हैं कि वी वांट यू नो थोड़ा कट हो। और अच्छा एनी, आप ऑनलाइन जो के बाहर भी इस तरह का अपने ड्रेसेस का करती हैं, वहाँ पर लोगों में कितना एक्सेप्टेंस लेवल है इस तरह के कट्स कलर्स, थोड़ा एक्सपेरिमेंट जब आप करती हैं इनके ड्रेसेस के साथ तो वो किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं? पहले देखो मेरा थोड़ा ख्याल था कि शायद जो बाहर लोग रह रहे हैं अब्रॉड उनका वो थोड़ा सा हमसे थोड़ा पीछे चलते हैं फैशन ट्रेंड्स में, बट इट इज नॉट लाइक दिस। अब बाहर भी डिस्प्लेज है मेरे ह्यूस्टन में और टोरंटो में, तो दे ऑल्सो वॉन्ट की मोस्ट अपडेटेड, क्योंकि बिकॉज सोशल मीडिया इज देयर, एवरीबडी इज फॉलोइंग एवरीथिंग, और ऐसा तो नहीं हो सकता एक शादी होती है पूरा पीछे से ट्रेंड चल पड़ता है, तो ऐसे नहीं, सो दे आर वेरी वेरी अपडेटेड एंड वो अपनी वार्डरोब उसी हिसाब से जो सबसे लेटेस्ट चीज होती है दे वांट दैट, एंड वो क्यों पीछे रहे बाद में उनको भी वहां पर आप जो है क्यों वो उनको क्यों ना वो मेरे ख्याल से हम लोग उससे ज्यादा फैशन के हवाले से बिकॉज हम लोग का रोज का है पहनना ओढ़ना, उनका बहुत इवेंट बेस्ड होगा, ईद आएगी शादियां आएंगी तो वो फिर उसके लिए स्पेशली वो बहुत गॉडी पहनना चाहेंगे, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल पहनना चाहेंगे, वो हर छोटे फंक्शन पे भी बाहर ये ट्रेंड है कि लोग बहुत फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, होते नहीं लेकिन बाहर बहुत सी फैमिलीज ऐसे हैं जिनके मैं भी कपड़े बनाती हूँ, दे वॉन्ट दे वुड नॉट वेयर ईस्टर्न वेयर ही पहनते हैं, दे वुड नॉट वेयर वेस्टर्न वेयर, हाँ तो दे वुड ऑर्डर देयर होल ईयर्स वार्डरोब्स लाइक गर्मियां सर्दियां दे आराम से, मतलब वो बहुत ट्रेडिशनल से जो लोग हैं जो बाहर सेटल्ड हैं एंड दे वुड वेयर शलवार कमीज, दे वुड नेवर वेयर जीन्स उसके वेस्टर्न वेयर वो नहीं पहनेंगे, तो इस तरह की भी बाहर बहुत सी फैमिलीज हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पाकिस्तान का तो कल्चर है, हमारे तो डेली ज्यादा तैयार न हो जाए, इवेंट हो तो फिर तो हमें होता है कि अब कुछ बहुत ही स्पेशल करें, और अब तो मैं वही देख रही थी डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगे ये मर्द थोड़े हमारे बारे में लिस्ट, लेकिन ना आजकल खवातीन जो है वो मैं तो देखती हूँ दुल्हन से भी ज्यादा तैयार उसकी बहने या उसकी अम्मा हुई होती है। I think so कि ये एक ट्रेंड ओवर द बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने नोट किया कि पहले एक औरत जो 40 साल की थी 50 साल की थी वो एक बुजुर्ग कंसिडर होती थी और वो व्हाइट कपड़े पहनती थी और ऑफ व्हाइट्स में ग्रेज में बहुत लाइट, लेकिन अब जो है ट्रेंड्स आर चेंजिंग, एक तो थोड़ा एजिंग भी कम हो रही है और दूसरा बात है लोगों के जो फैशन ट्रेंड्स है ना उसकी वजह से भी लोग दे आर वेल केप्ट और वो अपने कपड़ों का ध्यान और वो सारे इट्स गुड क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई करता है। अब मैं जरा बदला ले लूं, आप लोगों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ना? बिल्कुल है, क्यों नहीं, एंटी मैटर करती है जॉब्स के लिए भी, बदला ले लूं मेरे का। अच्छा जनाब आपकी जानी होगा मैं आऊंगी, अभी आप हमने बात कर रहे थे कि बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, कुछ ऐसी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इंडक्टेड है, यानी कि हम जो समझते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम या कुछ ऐसी चीजें हमें नहीं पढ़ाई जाती, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाती जो उनको आगे प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी हेल्पफुल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि ग्रेजुएशन में जो बी कॉम कराया जाता है वो बैंकिंग फील्ड में कभी भी यूज नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन करके भी आप देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह जॉब के लिए गया था आफ्टर द ग्रेजुएशन, तो उन्होंने कहा कि वकार हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मेरे पास 14 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो हंसना शुरू हो गए, कहते हैं आपकी एज कितनी है, मैंने कहा 21, कहते 21 साल के आप हो, 14 साल का तजर्बा आपके पास कहाँ से आया, मैंने कहा मेरे पास 14 ईयर एक्सपीरियंस है क्लास 1 टू 14 क्लास इन स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, लेकिन वो इन चीज़ों को मैटर नहीं करते, वो लोग कहते हैं स्टडी के बाद इलाहदा आप प्रोफेशनलिज्म के लिए सीखें जो कि इलाहदा से हमें सीखना पड़ता है। और रही बात जो प्रीवियस बात थी डर वाली, जो बेस्ट लीडर होते हैं वो सबसे ज़्यादा डरपोक होते हैं, इस बात को मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर लीडर बनता कैसे है, लीडर वो नहीं होता जो बहादुर होता है, लीडर वो होता है जो अपने डिप्रेशन को अपनी टेंशन में रह के जिंदा रहना सीख जाता है। जब वो जिंदा रहना सीख जाता है वो हारता सबसे ज्यादा है, अगले बंदों को लगता है यार वो बड़ा ब्रेव है, वो ब्रेव नहीं होता, बस वो अपनी वीकनेस को शो नहीं कर रहा होता, वो अपने अंदर ही अंदर खत्म होता है बच्चा, क्योंकि जिस तरह आप बात करते हैं बच्चे डर जाते हैं, ये सब चीज़ हो जाती हैं। मेरा शुमार उन्हीं बच्चों में से है जो कि मैं 9th क्लास में भी 3 बार स्कूल से भागा था, राइट, आज मैं PhD कर रहा हूँ, राइट, आई नेवर थिंक अबाउट इट, तो और मैं बोलने वाला भी नहीं था, किसी ने ऑब्जर्व भी नहीं किया था, नेवर एवर थिंक अबाउट दैट, ये ठीक है। तो ये रियलिटी है, इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो इंसान को टोटली चेंज कर देती है, लेकिन कैरियर काउंसलिंग क्लास 8 में देनी चाहिए, बच्चों की जो ड्रीम्स हैं
वो क्लास 8 से शुरू होते हैं, डेवलप होना शुरू होते हैं जब वो सोचते हैं कि हमने क्या बनना है, और जब तक उन्हें अवेयरनेस नहीं होती सेकंड ईयर के बाद तक उनका ड्रीम। वैसे अब तो बहुत से स्कूल्स में स्कूल काउंसलर्स हैं और करियर काउंसलिंग का काम करते हैं, लेकिन बहुत कम है, कुछ अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है ओवर द ईयर्स। और मेरे ख्याल में एप्टीट्यूड के और इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से आप उनको अगर पहले से ही बता दें कि ये सब्जेक्ट्स आपके लिए, यहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं, जी एफएससी ही करनी है, आपने मैट्रिक ही करनी है, और बच्चा चाहे इंटरेस्टेड हो या ना, तो फिर वो आगे जाके उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, तो फिर वो जो प्रोफेशनली बनता है वो उस अपनी मर्जी से नहीं बना होता, तो इतना अच्छा प्रोफेशनल नहीं होता। बच्चे के ड्रीम्स भी जो 8 क्लास तक है उसके ड्रीम्स नहीं होते, उसके मामा पापा 8 क्लास तक, मैं कहती हूँ उसकी सारी जिंदगी कभी कभी तो बहुत लंबे अरसे तक गुलाब लाके ना पेरेंट्स के सामने कहते हैं क्या बनोगे आप, वो कहते हैं डॉक्टर बनूंगा, तो 8 क्लास तक उसे मारने बैठा दो तुमने डॉक्टर ही बनना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एनी, अभी आपके अपकमिंग कोई एग्जीबिशन जो आप हमें बताना चाहें, कोई एग्जीबिशन पाइपलाइन में है या कुछ? अब ये है विंटर वेयर की कलेक्शन आ चुकी है हर जगह पे, सारे आउटलेट्स पे, तो वो है फॉर सेल। और कहाँ कहाँ पे आपका डिस्प्ले? मेरा FPL फैशन पाकिस्तान लाउंज लाहौर, और ब्रांड्स जस्ट स्प्रेड ह्यूस्टन USA और शेबी टोरंटो पे, तो वहाँ पे आ चुकी है। ऑनलाइन तो एनी का पेज है, इंस्टा पे एंड फेसबुक। तो उसके बाद फिर आई थिंक फेब में फिर दे विल बी एग्जीबिशंस प्लान्ड। अभी फिलहाल टिल फेब विंटर, अभी विंटर कलेक्शन आ गई। लवली लवली लवली। अच्छा एक छोटा सा मैसेज हम अपने मेहमानों से ले लेते हैं, उसके बाद मैं शो को वाइंड अप करती हूँ। वकास क्या मैसेज? मैं सिंपल गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में दो चीजें चेंजिंग होनी चाहिए। पहली चीज NTS PPSC जितने भी टेस्ट हैं इन पे चार्जेस नहीं होने चाहिए। एक बच्चे के पास जॉब ही नहीं है उससे आप चार्जेस ले रहे हैं तो देन वो किसी को अवेल करेगा। एंड सेकंड पॉइंट, जो सेकंड ईयर में मिस्टर चिप्स की बुक है उसे क्लोज करके उसकी जगह हुजूर सल्लम की स्टोरी के बारे में बुक आनी चाहिए ताकि उन्हें इस्लामिक नॉलेज भी उनके पास आ जाए। और घबराएं मत, फेल होने से मत घबराएं, फूट होने से मत घबराएं, और उसके अंदर रह जाने से मत घबराएं, उसको ट्राई करें। आपको ट्राई करने से दो चीज़ें मिलेंगी, एक आप कॉन्फिडेंट होंगे, दो आपको ये पता लगेगा कि मैंने क्या गलतियां की थी जो अब नहीं करनी, और तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी पर्सनालिटी के वो फैसेट्स पता लगेंगे जो उस सिचुएशन में एंटर हुए बगैर आपको कभी ना पता लग सकते थे ना पता लगेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर। आपका फोबियाज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि फोबियाज की सबसे अच्छी बात यह कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, और इसकी जो हम कह लें कि इजीली इसको हेल्प कर सकते हैं। इन केस आप हेड ऑन नहीं खुद कर पा रहे तो सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, देयर आर नंबर ऑफ थेरेपीज एंड यू कैन गेट वेल इजीली। लवली एनी मैसेज? स्टे अवे फ्रॉम फोबियाज, बी एडवेंचरस, बी एडवेंचरस, वेयर नाइस क्लोथ्स, ईट नाइस फूड एंड बी हैप्पी। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच लेडीज, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी कि आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे। जनाब आज का शो हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।